अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो चलो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। तो गाइस यार, काफ़ी अरसे से मैंने व्लॉग नहीं बना रहा था, उसकी मेन वजह यही थी यार कि पेपर चल रहे थे हमारे, तो आपके भाई के पेपर ख़त्म हो गए यार। तो आज फिर मैं व्लॉग बना रहा हूँ, देखते हैं क्या क्या होता है आज। तो गाइस यार, हमारे पिजन में भी माशाल्लाह इजाफा होने शुरू हो गया। देखो चार इधर हैं और बाकी मैं आपको दिखाता हूँ अंदर। एक ये है गाइस, और इसके नीचे इसका बेबी भी है जो कि काफ़ी बड़ा हो गया, उसके पर्शर निकल आए। और बाकी ये देखो गाइस, और मुगरे हमारे इस पिंजरे में बंद हुए हैं, अभी इनको भी खोलना और खाना शाना देना। इनको मैंने निकाल दिया। क्या हो गया भाई, या वाइट वाले को काटने की सोच रहे हम लोग। तो गाइस, जिसकी मैं आपको बात कर रहा था, जो नीचे से मैं आपको दिखा रहा था, वो ये रहा, और ये साथ इसका बेबी बैठा हुआ है, देखो। और इसकी माँ या बाप पता नहीं कौन है, गुस्सा हो रहे। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ ना कि इसको हम क्यों ना सेल्फ कर लेते हैं, मतलब हैंड टाइम, क्योंकि ये सिंगल है ना, तो सिंगल को करना आसान होता है। अब जैसे मुझे उनका भी दिल था, लेकिन वो अब सिंगल नहीं है, वो पेयर है, तो देखते हैं इसको हैंड टाइम। ये देखो गाइस, यहाँ पे चढ़ गए, पता नहीं पौधों में से क्या ढूंढ ढूंढ के निकाल के खाती रहती हैं। देखो हर वक्त इस पौधे में चढ़ के पता नहीं क्या खाती रहती नीचे से। लो जी, अब छोटा वाला भी चढ़ गया ऊपर। चलो इनको खाने देते हैं, पता नहीं क्या खाएंगे। ये देखो हमारे साथ कौन आया। इतना शरीफ क्यों बना हुआ है इसमें यार, ब्राउन कलर आ गया जो कि मुझे बहुत पसंद है, आपको दिखाता हूँ अभी। आप लोगों को लग रहा हो कि ये के मैला है ये, लेकिन नहीं, इसका कलर ऐसा है, ब्राउन ब्राउन सा कलर है। ये देखो दिखने में ऐसे ही लगता है कि ये जैसे मैला हो, नहीं लेकिन इसका कलर ही ऐसा है। देखो इसका एक साइड का पैर, इसके साथ वाला तो उड़ने भी शुरू हो गया, लेकिन बेचारा ये नहीं उड़ता अभी। चलो जल्द सीख जाएगा ये भी। तो गाइस ये वाला एरिया पूरा गंदा हुआ रखा था, तो फिर मैंने सारा, अबे साले, ये सारा एरिया भी साफ कर दिया और इधर जमा कर दिया इसमें। और अब फिर ये हम ना पौधों में डाल देंगे, पौधों को फिर खुराक मिल जाए, उनकी पूरी हो जाए। तो पौधों को जितना जितना ज़रूरत था, तो हमने उनकी ज़रूरत के मुताबिक डाल दिए, और बाकी हमने वो रख दिए, अगर इस्तेमाल करना हो तो वापस इनमें डाल देंगे थोड़े अरसे के बाद, जिससे फिर इनकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी और ये और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। तो गाइज़ आप लोग देख सकते हो इसकी हालत काफ़ी मैली हुई है, लेकिन एक मैजिक देखो। तो ये देखो, तो गाइज इस वक्त मैं आया हूँ ग्राउंड पे, और देखो यहाँ पे सारे बच्चे खेल रहे हैं। ये एक ऐसी गेम है जिसमें एक बंदा हमें आउट करने की करेगा, और हमने उससे बचना है, वो हमें फुल टॉस मारेगा और हमने फिर उसको विदा देना है। इसी के साथ करता हूँ इस ब्लॉग को एंड, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।